नमस्कार, हेडलाइन शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरती शर्मा। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। लोग भाजपा को 370 लोकसभा सीटों का देंगे आशीर्वाद, एनडीए को मिलेगी 400 से अधिक सीटें, गृहमंत्री अमित शाह ने किया दावा। किश्तवाड़ जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत जबकि कई हुए घायल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में की छापेमारी। सितंबर 2024 से पहले होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग लेगा अंतिम फैसला, कहा भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जेएंडके लद्दाख तरुण चुग ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के सुशासन महोत्सव 2024 को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर की परिवर्तनकारी यात्रा पर डाला प्रकाश। और इंडी गठबंधन के कारण बीजेपी 400 सीटों का आंकड़ा करेगी पार। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने किया कटाक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना होगा। उन्होंने कहा कि हमने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है जो विशेष दर्जा देता था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र के पाडर इलाके में सवारियों से भरी टाटा सुमो खाई में गिरने से 3 लोगों की जान चली गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शाम के 5 बजे के समय ये सुमो गुलाबगढ़ से 15 सवारियां लेकर हाकव गांव के लिए रवाना हुई। गुलाबगढ़ से ही सुमो में सवारियां ओवरलोड थी। जैसे ही ये सुमो कुंडेल गांव से आगे पहुंची तो वहां पर चालक नियंत्रण खो बैठा और सुमो गहरी खाई में जा गिरी। किश्तवाड़ के जिला प्रशासन ने मारे गए लोगों के लिए रेड क्रॉस फंड के तहत 50,000 रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 10,000 रुपए की तत्काल अनुग्रह राहत की घोषणा की है। पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उसको बढ़ावा देने या आर्थिक मदद करने वालों के खिलाफ भारत सरकार कड़ा प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कथित तौर पर आतंकी फंडिंग और युवाओं को आतंक में शामिल करने के लिए खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत आज जम्मू शहर के गुज्जर नगर समेत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है, जिसे लेकर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आ गई। के निरस्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुशासन से सुशासन तक जम्मू कश्मीर की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुशासन राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिक प्रथम के मंत्र और मार्गदर्शक सिद्धांत ने जम्मू कश्मीर के सुशासन के नए मॉडल को विकसित करने के लिए प्रेरित और मदद की है, जिसे फ्यूचर रेडी गवर्नेंस कहा जाता है।
राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सितंबर 2024 से पहले होंगे और भारतीय चुनाव आयोग को इस पर अंतिम निर्णय ले। जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है कि अब आखिर चुनाव कब होंगे और क्या तैयारी है आप लोगों की। देखिए, चुनाव तो चुनाव आयोग ने घोषित करने हैं, लेकिन ये तो तय है कि सितंबर से पहले चुनाव होने ही है और लोकसभा चुनाव भी आ गया है और ये चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जल्द चुनाव चाहती है। इस पर बोलते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बीजेपी 400 सीटों को पार कर जाएगी या नहीं, लेकिन अगर ये पार होता है तो ये इंडी अलायंस के कारण होगा। उन्होंने इसके पीछे की वजह इंडी अलायंस का सभी को एक साथ लाने में विफल रहना बताया। तो इसलिए पुरानी तो पुरानी लॉयल्टी याद आ गई। तो चलो, क्या आपको लगता है कि भाजपा 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा करेगी? अब मैं ना नजूमी हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन अगर करेगी तो ये जो यूनिटी बनी थी इनके कार्य से बनेगी। इनके जो ये जो सबको लेके चलने में असफल हुए उसकी वजह से बने। सीमा राव को क्रेडिट जाता है कि हमारी पॉलिसी, और उस पॉलिसी का मैंने भी फायदा उठाया था कि मैं पर्यटन मंत्री था, तो ये आज जहाजों में आप जब आते हैं तो ओपन किया, तो मैंने मेरी कैबिनेट में ले गया अपना कि एक ही जहाज जो पुराना चल रहा है वो कभी स्ट्राइक करता है और फिर 2 महीने ठप होता है, तो जितने जहाज आए तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी मैंने लाई मेरी। तो इसी तरह से हर मंत्रालय में कोई नई पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी, जिसको उस पॉलिसी को आज दुनिया में, और आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस पॉलिसी को चला रहे हैं, लेकिन क्रेडिट उन्होंने नरसिम्हा राव जी को दिया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि चाहे वो दूसरी पार्टी होने के बाद भी उसका जो काम जो देश के हित में था वो रिकग्नाइज किया। पहाड़ी जो बिल है वो राज्यसभा में भी पास हुआ है स्टेटस के लिए, तो देखिए ये बड़े समय से चल रहा था, तकरीबन 3 दशकों से चल रहा था, इसमें एक तनाव था। एसटी भाइयों का तो हमारे वक्त में जब हम सरकार थे उसी हुआ था, हमारे गुजर भाइयों का, और गुजर भाइयों का रिजर्वेशन पॉलिटिकल भी हो गया, लेकिन एक ही हम सब लोग हमेशा कहते थे जब हम कांग्रेस वाले थे कि एसटी दें उनमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो गुजर भाइयों का काट के नहीं देना चाहिए, काट के देते तो फिर बड़ा नुकसान, जब तक इनका काट के नहीं देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। डीसी जम्मू ने जम्मू के नगरोटा के धामी गांव में खसरा 118, 210 और 210 MIN के तहत 3 म्यूटेशन रद्द कर दिए हैं। ये फैसला जमीनों के कागजातों में गड़बड़ी को देखते हुए लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम ने पहाड़ी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति कोटा का दर्जा हासिल करने पर यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा का आभार व्यक्त करने और उनका अभिनंदन करने के लिए बैठक बुलाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये देश की स्पष्ट भावना की अभिव्यक्ति है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। भावना की अभिव्यक्ति है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले समस्त नागरिकों को न्याय मिले, न केवल जम्मू एंड कश्मीर के 3 विधेयक के माध्यम से लोकल बॉडीज में, बैकवर्ड क्लासेस में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, बल्कि यदि आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अलावे उड़ीसा के मामले में भी ऐसे बहुत सारे जो कमियां थी उसको दूर किया गया। आंध्र प्रदेश के मामले में इसके पहले भी कई राज्यों की इस तरह की समस्याएं थी जिसका समाधान किया गया। तो प्रतिबद्ध है यह सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि हमें कोई भी समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसका समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए।
ये कहते हुए कि इंडिया अलायंस आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एकजुट होकर लड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख विकास ने कहा कि इंडिया अलायंस चुनाव जीतने के लिए काफी मजबूत है। विकास रसूल वानी ने जम्मू में एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात की। आज की डेट में 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आपने देखा पिछले 1.5 साल में हमने कोई कसर नहीं बकाया रखी, हर जगह गए, हर वार्ड में गए, हर तहसील में गए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, लोगों को जोड़ा, जगह जगह से हमारे साथ लोग आए। आज हमें लगता है कि जो भी इलेक्शन होगा, चाहे हम अलायंस में लड़े या अलायंस के बगैर लड़े, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया अलायंस ही लड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP से बात चल रही है, जो ही सीटें फाइनल होगी तो इंडिया अलायंस ही जम्मू कश्मीर में सारी सीटें लेंगी, लद्दाख की 6 सीट लेके। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है, हमने हर जगह लोकसभा कोऑर्डिनेटर लगाए, पूरा हर चीज़ तैयार किया हुआ है। हम पूरी जंग लड़ने के तैयार हैं, क्योंकि BJP ने जो जख्म हमारे स्टेट के लोगों को दिए वो किसी ने नहीं दिए। हम वो इश्यूज़ लेके पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक से वोट लेंगे। जो BJP ने हमारी स्टेट छीनी, हमारे लोगों को, बच्चों को बेरोजगार किया, और हमें जो स्टेट सब्जेक्ट महाराजा ने 1927 में दिया था, जो स्पेशल स्टेट उसी के तहत हमारे हमें हमको था, ज़मीनों की जो सुरक्षा थी हमें, नौकरियों की सुरक्षा जो हमें थी, कल्चर की सुरक्षा जो हमें थी, उस स्टेट सब्जेक्ट की वजह से वो BJP ने छीना। BJP ने लोगों को परेशान भी किया, स्मार्ट मीटर लगा के, ज़मीनें छीन के, टैक्स लगा के, दरबार मुंह ख़त्म करके, बिल्डोज़र लगा के, और दूसरा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, जुल्म मुलाजमों पे बहुत किया। ये सारे इश्यूज़ लेके हम पब्लिक में जाएंगे और मुझे यकीन है कि पब्लिक का रेस्पॉन्ड जो है बहुत अच्छा होगा और कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस जो है जीत दर्ज करेंगे। पहाड़ियों को ST का स्टेटस जो है वो मिलने जा रहा है, कांग्रेस के साथ देखती है। पहाड़ियों को ST स्टेटस मिल गया, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का जो रूल है वो ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे वो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, और जो भी मजारटी, बुद्धिस्ट, हर तबके के लोगों को, हर जात के लोगों को हम साथ लेके चलते हैं। पहाड़ी हमारे भाई है, गुजर हमारे भाई हैं, उनको स्टेटस मिला तो हम हमेशा उनकी सपोर्ट में बात करते थे, लेकिन साथ में कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि गुजर बरादरी को जो हमने ST स्टेटस मिला है जो उनको, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके कोटे में कोई परेशानी ना करे, क्योंकि इन्होंने अभी तक वो पार्ट साइलेंट रखा है, उसको साइलेंट नहीं रखना चाहे। तीसरी मैं ये बात करूंगा कि कुछ लोगों के साथ इसमें बहुत नाइंसाफी हुई। हमारे चनाब वैली में खासकर जो खाह कम्युनिटी के लोग हैं, खाशा कम्युनिटी के लोग, पोगली जबान बोलते हैं, वो असली पहाड़ी है, जो पहाड़ी जबान भी बोलते हैं और वो बैकवर्ड भी बोलते हैं हद से ज्यादा, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया गया। हमें बड़ा दुख है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, उनको इंक्लूड करने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित BJP मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अगर आप इस पे इकॉनमी के ऊपर अगर आप एक नजर डालना चाहें तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स की बात करें, पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें, 2011-14 में UPA गवर्नमेंट के दौरान 1.8 करोड़ टॉयलेट जो है वो बने, और यही 2014-2024 मोदी सरकार के आते हुए 11 करोड़ 50 लाख टॉयलेट बने, मतलब तकरीबन 10 टाइम्स मोर, मोर देन 10 टाइम्स। हाउसिंग की बात करें, 2.1 करोड़ जो UPA गवर्नमेंट में बने 10 साल में, और मोदी सरकार में तकरीबन 5 साल में, मोदी सरकार 2 में तकरीबन
पाँच साल में ये 2.6 करोड़, जो वो 11 साल में कर पाए, 10 साल में कर पाए, वो मोदी सरकार उससे ज़्यादा जो है वो पाँच साल में ही कर पाई। अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 2.15 करोड़ घरों को जो है वो यूपीए सरकार के दौरान बिजली मिली, जो हमारे पिछले तकरीबन पाँच साल में ही उससे काफ़ी ज़्यादा 2.86 करोड़ जो है वो घरों को हमने पहुँचाया। औषधि की, जन औषधि की बात करें तो 164 स्टोर्स से बढ़ के हम 10,000 स्टोर्स तक पहुँच गए। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो मोदी सरकार में 6.8 लाख ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंस्टॉल किए गए, जबकि यूपीए सरकार में ये 6577 ही थे। अगर आप फॉरेन रिजर्व की बात करें तो यूपीए सरकार में 10 साल में फॉरेन रिजर्व कम हो गए थे। उनको जितना फॉरेन रिजर्व मिला 268 बिलियन के करीब, वो कम होकर 252 बिलियन के करीब रह गया था। आज फॉरेन रिजर्व भारत का उससे कहीं आगे बढ़ के एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। अगर आप स्पेंडिंग की बात करें तो पैसा आने के बाद लोगों के जीवन को अच्छा बनाया गया, चाहे वो किसान विकास निधि के नाम पे किसानों के साथ मदद की गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किसानों को मदद की गई, चाहे वो महिलाओं की बात करें तो कितनी ज़्यादा स्कीमें जो है वो महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, आदिवासियों के लिए स्कीम है, शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए स्कीम है। तो ये तभी संभव हो पाया क्योंकि मोदी विजन इकॉनमी का इतना मजबूत था कि उस मजबूत विजन के चलते हुए हमने एक मजबूत इकॉनमी भारत में जो है खड़ी की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कर्तव्य है कि मोदी जी का विजन, मोदी जी की इकॉनमी भारत को एक डगमगाती हुई इकॉनमी से मजबूत इकॉनमी की तरफ लेके आई। आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर इकॉनमीज में खड़ा है और जैसे हमारी ग्रोथ चल रही है, आने वाले 2 सालों में हम 5वें से 3रे नंबर पे जो है पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इसके साथ ही क्योंकि इकॉनमी हमारी मजबूत हुई तो उतना ही हम डिफेंस के ऊपर भी कंसंट्रेट कर पाए। आज हमारी स्थिति बॉर्डर के ऊपर ये है कि अब चीन भी हमसे डरता है, पाकिस्तान भी हमसे डरता है और कोई भी हमारी तरफ जो है वो आंख उठा के देखने की स्थिति में नहीं है। ये कुल मिला के इसलिए हो पाया क्योंकि भारतीय जनता ने मोदी जी का साथ दिया, मोदी जी के ऊपर भरोसा रखा। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है पूरी तरह से कि हम फिर दोबारा सरकार में आएंगे, मोदी 3 गवर्नमेंट जो है वो दोबारा बनेगी और इस बार हम पिछली सीटों से काफ़ी ज़्यादा सीटें, हमारा टारगेट जो है 400 प्लस का है, उससे कहीं आगे बढ़ के मोदी 3 एक अच्छी बहुमत के साथ दोबारा सरकार में आएगी। जम्मू के सांबा जिले की मानसर झील में पिछले 4 दिनों से लगातार मछलियों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिन्हें झील से निकालने का काम जारी है। झील में अब तक करीब 2000 मछलियां मर रही हैं। प्रदूषण और संभावित महामारी को रोकने के लिए वन्य जीव विभाग के कर्मचारी रोजाना मानसर झील से मरी हुई मछलियों को निकालने और सुरक्षित स्थानों पर दफनाने के काम में सक्रिय है। मछलियों की भारी क्षति स्थानीय लोगों के बीच चिंता का कारण बन गई है। स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाया है कि झील में बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों के लिए कोई अंडरलाइंग डिजीज जिम्मेदार हो सकती है। जम्मू यूनिवर्सिटी जेएन के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से 11 से 13 फरवरी 2024 तक जेएन के वुमेन साइंस कांग्रेस का आयोजन करने जा रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी इस आयोजन के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स, एकेडमिक की और विभिन्न पृष्ठभूमि और विषयों के छात्रों को एक साथ लाना चाहती है। वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन के संबंध में जानकारी साझा की। Of the University of Delhi of Biological Sciences Departments and here also 80% students are girls, right? So and then 20% students are boys. So it's not that, again I'm saying discrimination, but
80% स्टूडेंट्स मस्ट गेट द प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर आइडियाज टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज टू कोलाबरेट विथ अदर इंस्टीट्यूशंस व्हाट इज गोइंग ऑन देयर इवन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आई डोंट नो हाउ मच collaborate with the Indian Institute of Integrated Medicine or the Central University of Jammu or the IIT and IIMs. So the idea is that ki increase that platform, share your resources. If University of Jammu is not having that resources, that infrastructure, that might be with the other institutions. So if we provide the platform to the students, to the faculty, then they would be aware that what is going on in other institutions. So the crosstalk between the institutions, that needs to be increased. And the resources must be utilized optimally. So that's the objective of this holding the Women's Science Congress. जम्मू में मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट ने चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जम्मू के नगरोटा के खानपुर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया। ये पहल दुर्घटनाओं को कम करने और जिम्मेदार ड्राइविंग आदतों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों को शिक्षित करने पर केंद्रित है। भारत रत्न देने के लिए योग्य व्यक्ति को नजरअंदाज करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए डोगरा फ्रंट और शिवसेना के अध्यक्ष अशोक गुप्ता और उनके समर्थकों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए भारत रत्न की मांग की। मुखर्जी को प्रेमनाथ डोगरा जी को पहला देश का प्रधानमंत्री आया जिसने कोई भी कास्ट कलर क्रीड नहीं देखी। अगर किसान का नेता था श्रीमान चौधरी चरण सिंह जी, तो ऐसे किसान नेता होने पर, देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने पर उसको देने का प्रयास करा। उसने ने देखा ये मेरी पार्टी का है कि नहीं है। फिर उसने आगे जितने भी भारत रत्न देने का प्रयास करा विदाउट कास्ट कलर क्रीड दिए, और उस कास्ट कलर क्रीड के अंदर एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरसिम्हा राव जी, जिसने अच्छे फैसले लिए, बढ़िया फैसले लिए, और देश ने उस समय पहले सोना गिरवी रखा हुआ था उस प्रधानमंत्री को भी जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग। भारत रत्न देने के अंदर कोई पार्टी नहीं होती, मैं इसको मानने का प्रयास नहीं करता, लेकिन मुड़ मुड़ के भंडार रेवड़ियाँ अपने घर वालों नूं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन उसके बाद स्वामीनाथन, जिसने हरी क्रांति लाई, उस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दे करके सम्मानित करा कि जब हम घर के अंदर अनाज पैदा नहीं कर सकते थे, जब हमारे घर के अंदर अनाज नहीं था, बाहर से एक्सपोर्ट होता था, एक ऐसी हरी क्रांति का उदय करा जिस हरी क्रांति के माध्यम से पूरे का पूरा हरियत हरियत पूरी की पूरी क्रांति इस सारे विषय के ऊपर आई। और मैं प्रश्न करना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से, मैडम जी, एक ऐसा व्यक्ति महाराजा हरि सिंह जी जिसने विलय कराया जम्मू कश्मीर के अंदर और साजिश रची गई उसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से दिल्ली के अंदर, और शेख अब्दुल्ला को आगे लाने का प्रयास हुआ, आज वो नज़र के अंदर क्यों नहीं आ रहा? आज महाराजा हरि सिंह हमारे पूर्वज जिसने हिंदुस्तान के साथ हमको मिलाने का प्रयास करा, फौजें लेकर के डट करके मुकाबला करा, और डट करके मुकाबला करने के उपरांत विजय प्राप्त करी, जोरावर सिंह जी का भी नाम उसमें लेने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, उनको अनदेखा करने की बातें क्यों की गई? महाराजा हरि सिंह जी
पूज्य पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, जिनका सर्वस्व पूरा लटा दिया जिन्होंने, उनको भी भारत रत्न देने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की शिवसेना उद्धव ठाकरे इकाई ने एटीएम बूथों से गार्ड हटाने के बैंकों के फैसले की आलोचना की। मनीष सहनी ने धोखाधड़ी और साइबर अपराध बढ़ने की आशंका का हवाला देते हुए बढ़ती बेरोजगारी और बिना सुरक्षा वाले एटीएम से उत्पन्न संभावित खतरों पर चिंता व्यक्त की। शिवसेना के सदस्यों ने बैंकों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया। जम्मू कश्मीर के अंदर जेके बैंक के एटीएम की बात करें तो करीब 1500 एटीएम है। अगर तमाम बैंकों के एटीएम को हम काउंट करना शुरू करें तो ये संख्या जो है 4000 के आसपास पहुंच जाती है। जैसा कि हर एटीएम बूथ में डबल शिफ्ट के अंदर काम होता है, यानी दो दो गार्डों का घर परिवार चलता है, दो दो गार्ड को वहां पर नौकरियां दी गई है। ये तमाम एटीएम से गार्डों को हटाए जाने से क्या है कि 10,000 संख्या एक बड़ी संख्या है जो बेरोजगारों की तादाद में बढ़ोतरी होने की आशंका है। और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली बात यह है कि धोखाधड़ी जालसाजों को जो है एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। पहले से ही हमारे पास साइबर क्राइम से हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशान है एजेंसीज वगैरह, उसके ऊपर जालसाजों को हम एक तरह की खुली छूट दे रहे हैं। पूर्व पार्षद अमित गुप्ता, महंत राजेश बिट्टू, दीपक गुप्ता और ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस डेहरू मार्केट के अध्यक्ष ने जम्मू की वार्ड नंबर 19 में सरकारी हाई स्कूल में एक ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और स्थानीय समुदाय के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना है। आज तभी स्कूल में आए हैं, यहाँ पे काफी देर से डिमांड थी और काफी देर से यहाँ पे जिम का की डिमांड की थी प्रिंसिपल और यहाँ के स्टाफ मेंबर में, और मुझे फिक्र थी यहाँ के बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, तो जिम लगने से इनके एक्सरसाइज बच्चों के लिए अच्छी है और यहाँ के टीचर स्टाफ के लिए अच्छी है, क्योंकि ये भी बच्चों के साथ ही यहाँ पे करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिट्टू भैया महंत जी आए हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और दीपक गुप्ता जी जो बीए रोज के प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी स्कूल में आए हैं और आज हमने ओपनिंग की। डिसिप्लिन वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है सारा इंदा। मैं अच्छा लगा कि जी सुना दे कि कंप्यूटर च भी अगे स्कूल जा रहा है और खेलने च भी एक बच्ची जी बाहर खेडन गई है। मैं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहना अपनी तरफा, कल सोमवार मैं 25 जड़े ने स्वेटर शर्ट जी होंगी ना भेजी उड़ी इतने, ताकि वह सारे की जो जरूरतमंद बच्चे ने उन्हें देई उड़गे हेडमास्टर साहब। और दूसरा ये लगा कि दीपक के आने कन्नै स्टाफ का भी और बाकी लोगों का बड़ा काम हूँ सारा इन पर जिम्मेवारी पी जानी है। और कोशिश होगी स्कूल किस तरह से हम जो है अपने बच्चों को किस तरह से आगे ले जाएं और इनका पिकनिक कैसे बाहर हम कर पाएं और इनकी एक्टिविटी बाहर कैसे कर पाएं, इसके ऊपर भी ध्यान जो है हम आपस में बैठ के केंद्रित करेंगे और कोशिश होगी और समाज को जोड़ के इस स्कूल की जितनी अच्छी एक्टिविटी है वहाँ बाहर तक पहुँचाएँगे, ताकि इस स्कूल में बच्चों की ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो सके। एनसी के वरिष्ठ नेता रशीदा बेगम ने आज जम्मू में वंचित और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया। इस मौके पर रशीदा बेगम ने कहा कि वंचित लोगों के कल्याण के लिए वे हमेशा ही कार्य करते रहेंगे। शेख साहब के जन्मदिन पर आटा देना ही अपनी भैन ही, हर बारी उंदे त्यौहार दे उपर मैं कोई भी, चाहे मरन दिन होए, चाहे जन्मदिन होए, चाहे मादरे मेहरबान दा होए, हमेशा मैं उंदे नाँ दे उपर गरीब लोकें ही कुछ ते कुछ दिंदी रहनी है। लेकिन मैं इहे गल आखनी है, मेरे जैसा लीडर होर भी कोई आए, लेकिन शेख साहब दे नाँ पर अज मैं ये आटा दिता अपनी भैने ही। और मेरे महला जिहड़ा है बेचारा गरीब है, त्रै त्रै किलो आटा मिलता है इन्हें ही, तो त्रै त्रै किलो ने गुजारा नहीं हुंदा। खास करिए मैं मोदी साहब दे अगे अपील करांगी पे जियां इन्हें पहले आटा मिलता ही इयां गै कोशिश करो ते दोबारा आटा जेड़ा है उसे तरीके दे राशन मिले। त्रिकुटानगर वेलफेयर सोसाइटी ने कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के सहयोग से जम्मू के त्रिकुटानगर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
शिविर के दौरान स्थानीय लोगों को राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि नाम जोड़ने बदलाव करने के बारे में जानकारी दी गई। यही था कि यहाँ के जो निवासियों की प्रॉब्लम थी कि राशन कार्ड किसी का है, किसी का इंसर्ट कराना है, किसी के डिलीटेड मेंबर्स की करनी है। जैसा कि हमारी सोसाइटी प्रीवियसली करती रही है, टाइम टू टाइम कैंप लगाती रही है, आज इस सिलसिले में ये काम किया शुरू किया था और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं CAPD डिपार्टमेंट का कि इन्होंने पूरे अपना टाइम निकाल कर शेड्यूल से आए हैं। और मैं निवासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमें ये इनपुट्स देंगे हम अदरवाइज भी आप हमसे ले सकते हैं, इसके लिए मीडिया का और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एडिशन और डिलीशन के लिए है तो जो भी है हम सर्विस हर कोई प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्टर मैडम के आदेशों का पालन करते हुए हमने जहाँ आज कैंप लगाया है, जहाँ पर हमने कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स थी जैसे कि एडिशन नहीं हुई, बच्चे की एडिशन है तो जहाँ कुछ बड़ों के फिंगर्स नहीं लग रहे तो उसके बारे में भी हमने इनको अवेयर किया है। और राशन कार्ड में जो एडिशन डिलीशन है उसके बारे में भी हमने जहाँ के पब्लिक को अवेयर किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे कि जैसे जहीं जहीं भी प्रॉब्लम आती है हम वहाँ कैंप लगा के सबको अवेयर करते हैं। अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम है इनकी, कईयों के आधार सीडेड नहीं है, कईयों का कुछ है, तो वो जो भी इनकी छोटी है बड़ी प्रॉब्लम जो भी है वो सब हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑफिस में भी कर रहे हैं, बाहर कैंप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप भी लगा रहे हैं। जैसे कोई भी कहीं भी कैंप होता है हर जगह सब कुछ आधार सीडी EKYC भी चल रही है हमारी, ऑफिस में भी कर रहे हैं, डीलर भी कर रहे हैं, राशन भी ऑनलाइन है, सब कुछ है। अब तो ONRC भी चल रहा है, हर एक चीज़ उनको दे रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। लोग भाजपा को 370 लोकसभा सीटों का देंगे आशीर्वाद, एनडीए को मिलेगी 400 से अधिक सीटें, गृहमंत्री अमित शाह ने किया दावा। किश्तवाड़ जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत जबकि कई हुए घायल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में की छापेमारी। सितंबर 2024 से पहले होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग लेगा अंतिम फैसला, कहा भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज JNK लद्दाख तरुण चुग ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में राम भाऊ महालगी प्रबोधनी के सुशासन महोत्सव 2024 को किया संबोधित, जम्मू कश्मीर की परिवर्तनकारी यात्रा पर डाला प्रकाश। और इंडी गठबंधन के कारण बीजेपी 400 सीटों का आंकड़ा करेगी पार, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने किया कटाक्ष। हेलो जो के आज के संग में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।